जय हिंद जय भारत। आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी थी जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर कि अब आपकी आर्मी में परमानेंट भर्ती होंगी। अब आपको 4 साल भर्ती नहीं देनी होगी, अब आप अपनी मर्जी चला सकते हो कि 18 साल या 20 साल या 22 साल या 30 साल तक आप सर्विस करके आ सकते हो। और क्योंकि जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन निकाला गया था कि हम आपकी परमानेंट भर्ती करा रहे हैं एनए के पद पे, नर्सिंग असिस्टेंट के पद पे। एनए की भर्ती देखोगे तो कौन सी आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, 10वीं की या 12वीं की, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि जीडी ट्रेडमैन टेक्निकल क्लर्क में अब क्या 4 साल ही सर्विस करोगे या इससे ज़्यादा भी करोगे तो कैसे करोगे और कौन से बच्चों को ये ज़्यादा रखेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। हम सोच रहे थे कि एनए की भर्ती इंडियन आर्मी में अब नहीं होगी, बंद कर दी है, क्योंकि काफ़ी भाई ऐसा बोलते थे और हमने भी यही सोचा था कि यार अब ऐसा ही है, क्योंकि किसी भी एआरओ में एनए की भर्ती नहीं कराई है और अब रिलेशन वालों में भी नहीं हुई है, क्योंकि अब ये बंद कर देंगे एक तरीका से, ठीक है। तो भाई सभी को पता होगा, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ थी, क्योंकि आर्मी में परमानेंट जो भर्ती है, जो रेगुलर की भर्ती होगी, वो एनए के पद पे होगी, जिसे हम फुल फॉर्म में बोलते हैं नर्सिंग असिस्टेंट। अब इसमें हम कैसे अपना जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि अगर हमारे पास 10वीं है या 12वीं है तो हम कैसे इसमें भर्ती में जा सकते हैं देखने के लिए। आपके पास 12वीं में दोस्तों साइंस होनी चाहिए, ठीक है, साइंस होनी चाहिए। और साइंस में दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट होने चाहिए। ध्यान देना, आपके पास दोस्तों साइंस होनी चाहिए। देखो साइंस में क्या होता है, एक तो होती है नॉन मेडिकल, एक होती है मेडिकल। और मेडिकल में दोस्तों क्या होता है कि उसमें बायो होती है, और नॉन मेडिकल में होता है मैथ, ठीक है। जो भाइयों ने 12वीं करी होगी उनको पता होगा, जो 10वीं में अभी उनको नहीं पता होगा, बाकी काफ़ी भाइयों को पता होता है। काफ़ी भाई अभी ये बोलते हैं कि यार अभी 12वीं में जाएंगे, जब पता कर लेंगे, ठीक है। तो आप 12वीं पास होने चाहिए। और साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट होने चाहिए। और अब बता दूं, देखो यहाँ पर 50% नंबर तो आपको, 50% नंबर तो आपको सभी सब्जेक्ट में टोटल मिलाकर लेने होंगे, और हर किसी सब्जेक्ट में आपके 40 नंबर होने चाहिए, तभी आप दोस्तों एनए की भर्ती भर सकते हैं, यानी कि एनए की भर्ती में भाग ले सकते हैं। और अब यहाँ पर दोस्तों बता दूँ, जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल और क्लर्क, इनमें दोस्तों आप सभी को पता होगा 4-4 साल आपको सर्विस देनी है। अब इसमें से क्या है का आपको बता दूं कि 25% बच्चे तो हो जाएंगे परमानेंट, ठीक है, 25% बच्चे हो जाएंगे परमानेंट। और जो 75% भाई हैं वो यानी कि घर आ जाएंगे वापसी, ठीक है, घर आ जाएंगे वापसी, उनको वहाँ से रिटायर कर दिया जाएगा। तो अब इन ट्रेड में कौन से भाई ऐसे हैं जो भर्ती देखें और आप 4 साल नहीं, आप सीधा परमानेंट हो जाओगे। जब आप जीडी में भर्ती देखोगे, स्पाई नॉर्मल जीडी की भर्ती होती है, तो उसमें दोस्तों उनको कोई ज़्यादा इतना बेनिफिट तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आप कुछ सीखोगे नहीं, जिससे उनको 4 साल बाद फायदा मिलेगा, ठीक है। सीखेंगे कौन बच्चे, जो ट्रेडमैन की भर्ती देखेंगे, जिनको खाना बनाना आता है, जो वुड वर्कर हैं, यानी कि आपको बता दूं पेंटर हैं, ठीक है, टेलर हैं, उनसे उनको फायदा होगा 4 साल बाद, क्योंकि वो 2-3 साल में परफेक्ट हो जाएंगे काम सीख के, फिर उनको वो निकालेंगे तो उनको नुकसान होगा। अब नया बंदा आएगा, फिर उनको काम सिखाएंगे तो उनको नुकसान होगा ना, तो वो उस बंदे को रखेंगे ना जो परफेक्ट हो चुका है काम में, ठीक है। ऐसा ही ट्रेडमैन में होगा, ऐसे ही दोस्तों टेक्निकल में होगा। टेक्निकल में भी जो बंदा टेक्निकल से भर्ती देखेगा टेक्निकल से, ठीक है, तो वो क्या है कि उस पर गन बनानी आ जाएगी, तो भाई वो उनको नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो बंदे परफेक्ट हो चुके हैं, 2-2.5 साल उनको लगे हैं, ठीक है, 2-2.5 साल उनको सीखने को लगे हैं, फिर 4 साल बाद उनको निकाल देंगे तो उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से टेक्निकल में भी बहुत कम बच्चे निकाले जाएंगे, ज़्यादातर परमानेंट रहेंगे। और ऐसा ही भाई क्लर्क में, अब क्लर्क में भी भाई यही है कि किसी को वो सिखाएंगे 2.5 साल कम से कम, भाई क्लर्क बनने के लिए 2.5 साल या 3 साल लग जाते हैं, वो परफेक्ट हो जाता तभी होता परफेक्ट, और फिर 3 साल उन्हें सीखने में लगे, फिर उसकी 1 साल और बची, फिर उसको निकाल देंगे, नहीं, उसको भाई ज़्यादातर रखेंगे, जो बच्चा वीक रहेगा उसको निकालेंगे ज़्यादातर। जो ये मैंने आपको 3 ट्रेड बताएँ, ट्रेडमैन, टेक्निकल, क्लर्क, ये ज़्यादातर बच्चे जब इनमें भर्ती देखेंगे तो वो ज़्यादातर परमानेंट रहेंगे जीडी को छोड़ के। जीडी में ओनली स्पाई का काम रहेगा, तो वो जीडी वाले बच्चों को ज़्यादातर बाहर निकालेंगे, यानी कि 4 साल की सर्विस देंगे और फिर वो बाहर
हो जाएंगी, ठीक है। बाकी एनए की आपकी परमानेंट है, मैंने आपको बता दिया, ये गुड न्यूज़ थी आप सभी के लिए। तो आगे वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही, और ये परमानेंट की जो भर्ती एनए की आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।